Write a single C statement to accomplish each of the following. ये आगे कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे जिनमें एक एक करके हमें उनके बारे में उनके लिए कोई सी स्टेटमेंट लिखना है, सी प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट लिखना है कि सी प्रोग्रामिंग वो काम कैसे करेंगे। तो पहला है मल्टीप्लाई द वेरिएबल प्रोडक्ट बाय टू यूजिंग द स्टार इक्वल टू ऑपरेटर। स्टार इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हुए प्रोडक्ट को दो से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल है, स्टार इक्वल टू ऑपरेटर वो मल्टीप्लाई और असाइनमेंट का काम करता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट स्टार इक्वल टू टू। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द वेरिएबल प्रोडक्ट बाय टू यूजिंग द इक्वल टू एंड स्टार ऑपरेटर। पिछली बार स्टार ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेटर था, अब स्टार इक्वल टू अलग ऑपरेटर है, स्टार अलग ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर, स्टार एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, और इन दोनों से दोनों को अलग अलग यूज करते हुए प्रोडक्ट को दो से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट स्टार टू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल काउंट इज ग्रेटर देन 10, इफ इट इज प्रिंट काउंट इज ग्रेटर देन 10। मतलब एक वेरिएबल है काउंट और हमें एक ऐसी कंडीशन लगानी है यदि काउंट की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट करे काउंट इज ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए हम लगाएं लिखेंगे इफ काउंट इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट एफ काउंट इज ग्रेटर देन 10। ये इस तरह से लिख देंगे इफ में कंडीशन लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिमाइंडर After q is divided by divisor and assign the result of q, write this statement two different ways। मतलब एक हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है किसका, जब q में डिवाइजर नाम के वेरिएबल का भाग दें तो भाग देने पर जो शेषफल मिलता है, रिमाइंडर जो मिलता है वो हमें q को असाइन करना है, उसको दो तरह से लिखना है। तो इसको दो तरह से ऐसे लिखेंगे, पहला है q परसेंटेज इक्वल टू डिवाइजर, दूसरा q इक्वल टू q परसेंटेज डिवाइजर। परसेंटेज साइन सी प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर के लिए काम में लिया जाता है, तो q परसेंटेज डिवाइजर मतलब q में डिवाइजर का भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, और इसको परसेंटेज इक्वल टू ऑपरेटर से भी लिख सकते हैं। प्रिंट द वैल्यू 1, 2, 3.4, 5, 6, 7 with two digits of precision. What value is printed? हमें 1, 2, 3 123.45.4567 को प्रिंट करना है, लेकिन ये दो ही पॉइंट का प्रिसीजन आए, मतलब दशमलव के बाद में दो अंकों तक की शुद्धता हमें मिले, इस तरह से प्रिंट करना है। तो इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट होगा प्रिंट ऐप, और कन्वर्जन स्पेसिफायर में जहाँ हम परसेंटेज एफ लिखते हैं वहाँ परसेंटेज पॉइंट टू एफ लिखना होगा, मतलब जो दशमलव है उसके बाद में दो अंक शुद्धता के साथ प्रिंट हो, तो पॉइंट टू एफ, और आगे जो भी नंबर प्रिंट करना वो नंबर लिख दिया 1, 2, 3.4, 5, 6, 7। आउटपुट क्या होगा इसका, तो इसका आउटपुट होगा 1.123.46। अब 4, 5 के आगे 6, 7 है तो प्रिसीजन दो अंकों तक का देखने पर 5 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि आगे वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो ये 4, 6 हो गया। प्रिंट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 3.14159 विद 3 डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, व्हाट वैल्यू इज प्रिंटेड। तो हमें एक वैल्यू है 3.14159, इसको प्रिंट करना है, और जैसे पिछली बार दशमलव के बाद में पॉइंट दो डिजिट तक हमने प्रिंट किया, इस बार 3 डिजिट तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पॉइंट टू की जगह पॉइंट थ्री लिख देंगे, पॉइंट थ्री ऐप लिख देंगे कन्वर्जन स्पेसिफायर में, और आगे जो नंबर है वो लिख देंगे, इस बार प्रिंट होगा 3.142। एक सी स्टेटमेंट लिखना है जो
इतनी देर कर रहे थे उसी तरह से। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उनको वो पूरा करें। राइट ए सी स्टेटमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क, मतलब एक लाइन में कुछ टास्क दिया जाएगा, कुछ वर्क दिया जाएगा और उसके लिए सी प्रोग्राम में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमें लिखना है। डिफाइन वेरिएबल सम एंड एक्स टू बी टाइप ऑफ इंट, मतलब सम और एक्स नाम से, सम नाम से और एक्स नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और दोनों इंटीजर टाइप हों, तो इसके लिए हम लिखेंगे इंट सम को मार्क्स या एक्स को मा सम भी लिख सकते हैं और सेमीकोलन पे एंड। सेट वेरिएबल एक्स टू वन, मतलब एक वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू वन करनी है तो एक्स इक्वल टू वन लिख देंगे सेमीकोलन। सेट वेरिएबल सम टू जीरो, एक सम नाम का वेरिएबल लेना है उसकी वैल्यू जीरो करनी है तो सम इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये बाद में देखते हैं। ऐड वेरिएबल एक्स टू वेरिएबल सम एंड असाइन द रिजल्ट टू वेरिएबल सम, ये पहले लिख दिया सम प्लस इक्वल टू एक्स इसका आंसर होगा, या इसको सम इक्वल टू सम प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। प्रिंट द सम इज फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम, मतलब एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जो प्रिंट करे द सम इज कोलन और उसके बाद में जो भी सम नाम का कोई वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे, तो इसको प्रिंट ऐप में लिख देंगे। इसके बाद में कन्वर्जन स्पेसिफायर लगा देंगे परसेंटेज डी, क्योंकि सम को हम इंटीजर टाइप ले रहे हैं, और बाद में फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाहर कोमा लगा के सम लिख देंगे। ऊपर वाले सभी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक पूरा सी प्रोग्राम बनाना है जो एक से दस तक चले, मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स जो वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू वन से स्टार्ट हो, टेन तक जाए, और जब एक्स की वैल्यू इलेवन हो जाए तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, प्रोग्राम पूरा हो जाए। और तो इसके लिए हम पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको एक साइड में लिख लेते हैं। सम प्लस इक्वल टू एक्स और सम इक्वल टू सम प्लस एक्स में से कोई एक रखेंगे, तो यहाँ हम इन सारे स्टेटमेंट्स को एक बॉक्स में रख लेते हैं। उसके बाद में जो कंडीशन है व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू टेन लगा देते हैं, तो एक्स की वैल्यू जो ही इलेवन होगी ये टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाएगा जिसमें stdio.h इंक्लूड किया हेडर फाइल, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल एक्स और सम डिक्लेयर किए हैं, एक्स की वैल्यू वन कर दी, सम की वैल्यू जीरो कर दी, और व्हाइल के अंदर दो स्टेटमेंट लिख दिए सम इक्वल टू सम प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस लिख दिया, और बाद में बाहर सम की वैल्यू प्रिंट